बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, मैं उम्मीद करती हूँ आप भी सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह का शुक्र हम भी ठीक हैं। आज के नए व्लॉग का करते हैं आगाज़ और अपने बहन भाई रहना हमारे साथ साथ। तो माशाल्लाह जी, यहाँ पे मैंने शौकत भाई के यहाँ पे बालने के लिए रख दिए, क्योंकि तो सिस्टर ने कहा कि मेरे अपने चूल्हे पर ना चने रख दो शौकत भाई के लिए। तो वो गए मैं बिल जमा करवाने, बिल जमा करवा के फिर ठंडे करके फिर शौकत भाई खाएँगे। तो यहाँ पर मैंने बर्तन भी इकट्ठे कर दिए। तो यहाँ पे मैं झाड़ू देने लग रही थी क्योंकि काफ़ी यहाँ की मैंने सफाई वगैरह यहाँ की कर दी है सारी। तो अब मैं यहाँ के देती हूँ झाड़ू, फिर सफाई वगैरह करके फिर इसके बाद मैं बर्तन वगैरह धोती हूँ, क्योंकि मैं रोज़ सफाई करती हूँ। ये पतझड़ का मौसम आ रहा है ना, ये सारे पत्ते, ये देखो सारा ये गंजा हो गया, ये वाला भी सारा गंजा हो गया, वो वाला भी सारा, ये ऐसे गिरते हैं फिर यानी कि सारे सहन में ना हो जाते हैं, पतरे पतरे छिन जाते हैं, हवा चलती है सारा गंद फिर पीछे को आता है। दो टाइम झाड़ू दिलती है मगर फिर भी इतना गंद जमा हो जाता है, ऐसा लगता है पता नहीं कितने दिन हो गए झाड़ू दी नहीं मैंने। इस तरह करती हूँ, कहा कि मैं भी बट्टा ने काले कपड़े धोए थे, ये उतार के उसे दे देती हूँ मैं, क्योंकि फिर धोया ना इतनी मेहनत से फिर सारे यानी कि मिट्टी लग जाएगी इन पे कपड़ों पे, उसे दे आती हूँ जाके गिरने लग रहे थे। मैंने कपड़ा यहाँ पर उतार लिया, अब लेके जा रही मैं भी बट्टा के पास। तो देखती हूँ मैं भी बट्टा अपने घर क्या कर रही है, उधर डॉगी भी वहाँ बैठे हैं, दोनों डॉगी बैठे हैं। और इधर माशाल्लाह जी फूटने लग रही है यहाँ पे, वो क्या उगाया था उन्होंने, मकई उगाई थी मेरे, मैं भूल गई, मकई वगैरह उगाई थी, माशाल्लाह फूटने लग रही है। तो यहाँ पे जी माशाल्लाह जी अंजीर भी हरा भरा होता जा रहा है और बड़ा भी होता जा रहा है। पानी वगैरह डालते हैं, मैं भी बेटा शाम का टाइम डालती है। और जी माशाल्लाह जी सारी सफाई वगैरह करी हुई है, छोटी बहन सिस्टर बैठी हुई हैं। और यहाँ पे जी मैं भी बेटा ने अपना सारा घर का काम वगैरह कर लिया और बर्तन वगैरह भी धो लिए हैं, कमरों की भी सारी सेटिंग वगैरह कर ली है, माशाल्लाह जी बिल्कुल साफ सुथरा घर कर दिया है। और अब धो रही हैं खुरा, बस जो सारा काम करने के बाद रह जाता है एंड में खुरा, ये भी हो गया, ये भी हो गया। और माशाल्लाह जी ये तो माशाल्लाह धनी तो काफ़ी बड़े बड़े हो रहे हैं ना, तोड़ते तो नहीं होंगे आपकी से? नहीं, बस ये बस हरियाली वास्ते लगा। अच्छा सही है, और तबीयत ठीक है आपकी? अल्लाह का शुक्र है, आप? बस हम भी अल्लाह का शुक्र है ठीक है। बस मैं सफाई वगैरह कर रही थी, मैंने कहा हाँ जी ये मेरे याद आ गए कपड़े आपके जो आपने कल धोए थे ना, हाँ सूखे पड़े कपड़े, मैंने कहा वो फिर झाड़ू दे रही थी ना, मैंने कहा फिर सारी मिट्टी जाएगी, फिर आपने कल इतनी मेहनत से धोए फिर सारी मेहनत आपकी ज़ाहिर चली जाएगी। चलो फिर ठीक है बेटा, आप ये काम कर लो, मैं भी जाके सफाई वगैरह करती हूँ, ठीक है। माशाल्लाह जी यहाँ पे जी मैं भी पट्टा ने पहले ये लकड़ियाँ वगैरह टुक दी हैं और इन्हें खड़ी कर दी हैं धूप में, ताकि धूप लगेगी सूख जाएंगी। गिल्ली है इसलिए। अच्छा गिल्ली है, गुटके भी गिले आए? हाँ। अच्छा लकड़ियाँ नहीं लेके आप तब? पहले लकड़ियाँ लेकर आए थे, वो फिर खत्म हो गई हैं, तो ये गुटके पड़ी थी मैंने कहा। अच्छा नहीं, अच्छा करा आपने छेद दी है, वरना जलाने में ना आसानी रह जाती है। चूल्हा तो नहीं आप इस्तेमाल करते होंगे ना? नहीं, हम इस पे बनाते हैं। हाँ चूल्हा भी बना लेते हैं इस पे, सही है। चलो फिर ठीक है आप ये कर लो, फिर मैं भी अपने बर्तन वगैरह धो लेती हूँ, मैंने इकट्ठे कर दिए सारे, अब धोती हूँ मैं, आप भी लकड़ियाँ वगैरह टुक लो, मैं करवाऊँ आपके साथ। बस ये दो तीन रह गए हो गए। अच्छा अम्मी अम्मी अबू आपके काम पे गए? अच्छा सही है, चलो फिर ठीक है आपका। हवा भी चली हुई है, बहुत अच्छी हवा चली हुई है, इतनी गर्मी नहीं है। तो यहाँ पर ये रिक्विया सेशन ने लगाई हुई मशीन, तो अब कपड़े किंगाले लग रही हैं, काफ़ी सारे कपड़े किंगल गए हैं, बस ये दो तीन सूट रह रहे हैं जहाँ किंगाले लग रही हैं। फिर और भी कपड़े आएंगे या यही आएंगे? एक पूरा आ गया बस। अच्छा एक पूरा आएगा। हाँ अच्छा चलो फिर ठीक है। मैं ना मैंने कहा चलो आज लगा लेती हूँ, फिर कल नमाज में जाएंगे बच्चे घर हो। हाँ जी टाइम से आ जाएंगे। हाँ जी चलो फिर ठीक है, आप जल्दी कपड़े खिंगालो, फिर भाभी की तरफ चलते हैं। हाँ कोई काम है फिर किसी काम से जाना है, जल्दी आप कपड़े खिंगाल दो फिर चलते हैं, ठीक है। खड़े होके पता नहीं क्या सोच रहे हैं कि इन ख्यालों में गुम आएंगे, क्या सोच रहे हैं भजन? सोच रहा हूँ बस निकलूं काम पे। अच्छा कब लेडी ले वो गाड़ी लेके? हाँ। अच्छा ये पापड़ नहीं है फिर? पापड़ हैं पड़े हुए हैं। अच्छा सही, कल लेके आए थे ना? हाँ जी हाँ कल लेके आए। सच्ची मैं कह रहा हूँ बस बच्चों की छुट्टी हो लगे ना। अच्छा अच्छा अभी तो काफी टाइम पड़ा। हाँ। अभी तो बच्चों के टाइम में भी छुट्टी होने में काफी टाइम पड़ा, अभी तो 10-15 मिनट पहले निकल जाऊंगा ना। अच्छा घरों में आ जाएंगे फिर, ठीक है। आज तो माशाल्लाह हवा भी चलने लग रही है और इतनी गर्मी भी नहीं है, टाइम से अपना यानी कि भाई कबाड़ वगैरह पापड़ वगैरह बिक जाएंगे, फिर टाइम से अपना घर आ जाना। चलो फिर ठीक है। जो है अब हम गए थे स्कूल में, तो उधर से घर आ चुके हैं और इधर
भाभी ने दाल बनाई हुई है। दाल नहीं, मैंने घिया चने की दाल बनाई है, क्योंकि घिया चने की दाल है। हाँ जी, क्योंकि मिस्त्री भाई का तो प्यारी आ रही है माशाल्लाह से। अभी बना के ना उतार के स्कूल, हाँ जी चूल्हे, हाँ रख उतार के, यानी चूल्हे से नीचे रख के गए हैं। हाँ जी चूल्हे से उतार के, तो बच्चों के स्कूल के इतने होके आए हैं, तो अब इब्राहिम आएगा दुकान पे से जी, तो फिर मिस्त्री भाइयों का खाना जाएगा। हाँ जी, जैसे वो इब्राहिम आएगा, यानी दोपहर की रोटी जाएगी। हाँ जी, खाना साथ चाय हो जाएगा ना। चाय सही है, चलो ठीक है भाभी, फिर हम जाते हैं। मैंने आँखें चेक करवानी है, अस्पताल जाना है, 2 बजे इतना टाइम है, टाइम से जाती हूँ। ठीक है, फिर आगे का ब्लॉग बहन भाई के साथ शेयर करते हैं। बाज़ार से हम आ चुके हैं, बस थोड़ा बहुत सामान लिया है, बड़ी दूर गए थे लैस लेने, बस थक के अब आए हैं, अब हिम्मत नहीं हो रही है घर जाने की, तो हमने क्या थोड़ी देर सांस लेके आना फिर हम घर जाएंगे। तो यहाँ पे जी ज़ारा चाय बनाने लग रही हैं, क्योंकि भाजी आई हुई है और भांजे आए हैं, 2 भांजे आए हैं, बाद में आए ना भाभी वो ज़ारा, मैंने कहा आपके भांजे बाद में नहीं आए। हाँ जी, वो बाद में आए थे, पहले बाजी आई थी ना। अच्छा, तो फिर अदनान और रिजवान आ गया, तो वो अदनान कहता आंटी मैंने ना चाय पीनी, आप चाय बना दे, तो मैं फिर उन दोनों भांजों के लिए चाय बना रही हूँ। सही है, बजट के यकीन नहीं भी बना रही है। सही है, मैं कहा चलो आप बाजार चाय बना कर थकावटी चाय पियेंगी, चलो मेहरबानी। मैं ना जब बाजार में थे ना, तो मैंने यही सोच किया था, मैंने कहा वो ना ज़ारा को कहूँगे मुझे ना एक कप चाय का पिला देना, ताकि ये थके हुए ना थकान दूर हो जाएगी चाय पी के। और आपकी तबीयत ठीक है? हाँ जी, मेरी तबीयत ठीक है। अम्मी का सुना, अम्मी की तबीयत ठीक है? हाँ जी माशाल्लाह, अम्मी भी बिल्कुल ठीक है, रात हो रही थी तबीयत खराब। अच्छा, तो मैंने फोन किया था ना, तो वो उम्र कहता अम्मी की तबीयत नहीं ठीक है, तो वो कल करवाए थे ना गुर्दे वाले। अच्छा, तो जब कराते ना तो अम्मी की तबीयत खराब हो जाती है। अच्छा, कोई नहीं, अल्लाह ने आपकी बात, अम्मी कहती है अब मैं ठीक हूँ, मैंने कहा। अच्छा चलो फिर ठीक है, आप चाय वगैरह बना लो, कोई नहीं है, दुख तकलीफ तो इंसान पे आता ही है, इंसान वो कौन, कोई इंसान ही ऐसे जिस पे कोई ना दुख है ना तकलीफ है, हर इंसान पे आता है। चलो फिर ठीक है, आप ये चाय बना लो। हाँ जी, मैं चाय बना देती, फिर मैं आपको भी देती हूँ। चलो फिर ठीक है, इब्राहिम कहाँ गया? वो मैंने रोटी लेने भेजा। अच्छा, रोटी लेने भेजा। हाँ, अच्छा तो उधर वो बाजी फातिमा के घर जाती है? उधर रोटी चली गई थी, तो ना रोटी माशाल्लाह बनाई थी ना वो, ना मैं रह गई थी और इब्राहिम रह गए थे। अच्छा मैंने रोटी मंगाई है। अच्छा चलो कोई बात नहीं जी, सूरज भी बिल्कुल ग्रुप हो चुका है, और थोड़ा सा यानी कि सूरज रह रहा है हल्का हल्का, और बिल्कुल ही शाम का टाइम हो चुका है, और बड़ी फातिमा भी पता नहीं चूल्हे पे क्या बना रही हैं, देखते हैं जाके। अस्सलाम वालेकुम भाजी। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? ठीक हो? तबीयत ठीक है? कैसा रहा काम आपका? सही रहा, बस अभी आके बैठे हैं काम से। अच्छा, तो फिर मैं उस बेटी ने ये टिंडी काटी हुई थी, मैंने वो कहती है अम्मी आप ये बना दे। अच्छा, तो हर लकड़ियां वगैरह उसने काट के रख दी थी। सुबह मैंने यानी के भाई काट रही थी, तो मैंने फिर मैं का भी यानी के भाई क्लिप बनाया था, तो ये सूख गई होंगी, अब ये जलाऊंगी, फिर ये सालन बना के रख दूंगी मैं। अच्छा, बेटी तवे पे रोटी बना रही है। अच्छा, अभी आप क्या पे लहसुन अदरक का पेस्ट बना रहे हो? हाँ जी, लाल मिर्च कूटने लग रही है, क्योंकि वो ग्राइंडर करे नहीं मैं वैसे ने। अच्छा, तो से टाइम मिला ही नहीं। हाँ जी, तो काम करते रहेंगे, तो फिर बस सुबह करेंगे इंशाल्लाह, मैं भी करूंगी जुम्मे का दिन। हाँ जी, हाँ जी, तो फिर ठीक है, चलो फिर ठीक है, आप ही कोट लो, उधर प्याज भी बड़ी फातिमा ने काट रखे हैं, यहाँ पे हरी हरी मिर्चें हैं, टमाटर भी हैं, ये सारा मसाला जात रखा हुआ इकट्ठा करके। चलो फिर ठीक है बाजी, आप कर लो। चलो कर ली थी, और टिंडी भी डाल दी है, तो अब टिंडियों को ऊपर नीचे करने लग रही है अच्छी तरह, यानी कि मसाला ऊपर नीचे करने लग रही है, ताकि ये अच्छी तरह यानी कि फिर थोड़ा हल्का सा पानी डाल के, ताकि ये गल जाए, दम पे लगा दूंगी। हाँ जी, ठीक है, और रुकिया सिस्टर भी बैठी है, फातिमा सिस्टर को देखने लग रही है, और जी यहाँ पे जी मैं भी बेटा भी आटा गूंदने लग रही हैं, शाम के लिए खाना बनाने लग रही हैं, फिर तभी पे ना आग जला के फिर रोटी बनाएंगे। मेरा भी आटा वैसे रखा है फ्रिज में, तो मैं देखूंगी अगर भाई बच्चों ने यानी कि खानी होंगी तो फिर बना दूंगी, नहीं तो फिर सुबह को फिर। आज तो हम 1 बजे ही फारिग हो गए थे माशाल्लाह। अच्छा, 1300 माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ जी, 1300 माशाल्लाह जी। चलो फिर ठीक है, आप अच्छी तरह इसकी बनाई कर लो, फिर आगे का भी लोग अपने बहन भाई से शेयर कर। अच्छी तरह बनाई वगैरह कर ली थी, और पानी भी निकल आया, तो अब थोड़ा सा पानी और डालने लग रही है, ताकि ना ये 2 टाइम का हो जावे। नहीं ये तो बाजी, आप अगर आप ना भी खुश करो, इसी पानी में ये गल जाएगी। हाँ जी, ये गल जाएगी, थोड़ा सा डाले भी जरा कसर ना रहे। अच्छा अच्छा, आप ये ना खुशक बनाओगे? हाँ जी खुशक बनाएंगे, क्योंकि ये 1.5 किलो है ना, अगर किलो लेके आते हैं ना तो क्यों सुबह तो काम पे जाना नहीं, अगर हाँ जी काम पे जाना हो तो फिर शोरबा करते हैं। हाँ, अच्छा सुबह तो ऐसे भी जुम्मा छुट्टी है। हाँ, जुम्मे का दिन है, छुट्टी का दिन है। चलो फिर ठीक है, आप ये कर लो, मैं भी इसने भी आटा वहाँ पे गूंद के रख दिया,
तो जैसे आटे की खनी मरती है फिर रोटी बनाते हैं। और कुया सिस्टर भी फ्रहम होके आज बैठी है, पका लेने इसलिए कोई फिक्र है, हमें तो फिक्र है, हमें तो पकानी है ना। सही है, चलो फिर ठीक है भाजी। चलो यही चांदनी रात हो रही है और एक तारा निकला हुआ है, छोटा सा बारीक सा निकला हुआ तारा है। बाकी और भी तारे निकले हुए हैं काफी सारे, मगर अभी नजर नहीं आ रहे, बहुत बारीक है। और कुया सिस्टर कपड़े सुबह धोए थे तो वो अब डालने आई है, यानी कि रुपया सिस्टर ने सारे ये इधर भी डाल दिए हैं, इधर भी डाल दिए हैं। भाई सिद्दी की तरफ गए थे ना, फिर लेट हो गए थे ना हम। हाँ जी, तो इसलिए फिर कपड़े में निखार के चली गई थी, नलके पे लटका के चली गई थी। मैंने कहा जैसे पानी खुश्क हो जाएगा, तो खुश्क होया हुआ था, फिर मैंने यानी डाल दी थी तारों। सही है। और भाई शौकत भाई गए हैं चौक आजम, हाँ जी, वो बच्ची की ना दिन तारीख रखनी है तो उधर गए हुए हैं। अल्लाह खैर करे सुबह इंशाल्लाह फिर आ जाएंगे भाई जन जी। फिर वो कहते मैं सुबह आ जाऊंगा अजानों के टाइम, मैंने कहा आप आराम से आना, रात के टाइम नहीं आना, आपको नजर वैसे भी नहीं आता, कमजोर है। हाँ जी, काफी वीक है। हाँ जी, पर चश्मा वगैरह भी लगा हुआ है ना भाजन के, तो कहता मैं शाम को आ जाऊँ। मैंने कहा नहीं आप आराम से सुबह आना, हम रह जाएंगे यहाँ पे। कोई बात नहीं बच्चे, हम कोई नहीं, मैं खाना है, कोई टेंशन नहीं है। हाँ जी, अल्लाह ताला साथ होता है, किसी चीज का डर नहीं। वो कहना जिसके साथ खुदा होता है उसके साथ पूरी दुनिया साथ होती है। नहीं, मैं पहले डरती थी, अब तो मैं डरती भी कोई नहीं। अच्छा, सही है। वैसे ना रात को जब भी सोए ना इंसान, दुरूद पाक बंदा पढ़ के फिर सोए, फिर डरने लगता। मम्मी जी बताती हूँ क्या आपको डर लगता है ना, तो आप ना कुछ ना यानी कुछ दुरूशरीफ, मुझे दुरूशरीफ समझ आता, जो भी है अल्लाह का कलाम पढ़ के सो जाती हूँ, फिर कोई नहीं डर होता। क्योंकि अब तो वैसे भी मैं नमाज पढ़ती हूँ, पढ़ती हूँ नमाज, बस ये मेरी जोड़ों का मसला है, कमर में दर्द रहता है। आंखें भी मम्मी चेक करवा के आई हूँ, तो वो कहते हैं कि आपकी माशाल्लाह नज़र बिल्कुल ठीक है, बस कमजोरी की वजह से आपकी हड्डियों में और घुटनों में दर्द रहती है। तो वो इसके पापा को मैंने पर्ची दिया कि आप ना कल आते हुए ले आना। सही है, दवाई चलो फिर की दवाई लिख कर दिया उन्होंने। अच्छा, वो खाएंगे फिर कुछ साथ। चलो अल्लाह करे आपको, एक महीना खाएं फिर आके दोबारा चेकअप करवाना है। अच्छा, चलो फिर ठीक है, आप दवाई वगैरह खाओ और आप यानी कि खा के आराम करो। फिर चलो फिर वीडियो को फिर आज एंड कर दोगे आप। हाँ जी, ये थी आज की ज़बरदस्त वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर के साथ। मिलते हैं अच्छे से व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।